काश में दौर पयंबर में उठाया जाता, काश में दौर पयंबर में उठाया जाता, काश में दौर पयंबर में उठाया जाता, बखुदा कदमों में सरकार के पाया काश में दौर पयंबर में उठाया जाता, साथ सरकार के गजवात में शामिल होता, और सिर्फ शामिल ही नहीं होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, काश में दौर जाता, खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, खाक को खाक मदीना में मिलाया तुम मिलके सब लोग मुझे मट्टी से मस्जिद नबवी में लगाया जाता, काश में दौर पयंबर में उठाया जाता, उनके रोजे के उनके रोजे के दरोबा सजाने के लिए रोजनों में मेरी आंखों को लगाया, रोजनों में या काश 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 न होता कोई ऐसी जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता, जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता, काश में दौर पयंबर में उठाया उतरता मैं किसी नात के मिसरे
किसी नात के मिसरे भर पे रूबरू के मैं उनको सुनाया, उठाया जाता। अब मैं रिवाइज करता हूँ ताकि आपको ये माहौल रहे कि मैं पढ़ता हुआ क्या आ रहा था। काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कर्मों में सरकार के पाया जाता, साथ सरकार के गजबात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, या उतरता मैं किसी नात के मिसरे बनकर रूबरू उनके मैं उनको ही सुनाया जाता। अब जब बज्म सजी हो रसूल की तो दिल चाहता है, हर शख्स को पता है कि मैं कितना गुनाहगार हूं, किसी ने कम गुनाह किए, किसी ने ज्यादा गुनाह किए, किसी को गुनाह का पता था, किसी को नहीं पता था, लेकिन हम उनके दरवाजे पर आते ही इसलिए हैं कि हम ये वादा करके जाएं कि मौला तेरे दरवाजे पर वादा करके जा रहे हैं कि आज के बाद ये काम नहीं करेंगे। तो ये है तौबा, ये तौबा का तरीका है। अब इसको मद्देनजर रखते हुए ज़हन में रखिए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसीन और सखी महफिल सजी हो। लाया जाता सरे दरबार असीरों की तरह, लाया जाता सरे दरबार असीरों की तरह, हुक्म पर पढ़ा।